अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने फॉर्म में फील्ड सेट एलिमेंट क्रिएट करना सीखेंगे कि फील्ड सेट एलिमेंट्स होते क्या हैं और वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। बेसिकली फील्ड सेट एलिमेंट जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कि हम लोग अपने डेटा को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप में वो कंबाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ फॉर्म्स में देखा होगा कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक टैग अलग बना होता है, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स अलग से क्रिएट किया जाता है, तो वो बेसिकली हमारे पास फील्ड सेट एलिमेंट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए फील्ड सेट का एक टैब यूज करते हैं कि हमने अपनी एक फील्ड क्रिएट करनी है, तो हमने फील्ड सेट का एक टैग यूज कर लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर अपनी कौन कौन सी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हम लोग लेजेंड्स यूज करते हैं, लेजेंड का वर्ड। देन हमने लेजेंड के अपना एक टैग यूज कर लिया अपना, उसके अंदर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे बॉक्स के ऊपर शो होगी। कैसे शो होगी वो हम अभी देखते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेजेंड क्रिएट करते हुए कह रहे हैं कि हमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपका नेम वगैरह एक्सेट्रा जो भी है वो मौजूद हो। तो हमने ये लेजेंड का एक टैग क्रिएट कर लिया, देन हमने इसको क्लोज किया। एंड देन हम लोग इसके अंदर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम अब क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी जैसे अपना फर्स्ट नेम का यूज करना सीखा था कि फर्स्ट नेम का फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपना क्रिएट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो हमने सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं। इनपुट टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स की हो जाएगी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की बॉक्स की हमारे पास इनपुट टाइप हो गई। एंड देन हमने इसको क्लोज कर दिया। फर्दर हम लोग इसमें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे अपना लास्ट नेम ऐड करना चाह रही हूँ, लास्ट नेम। एंड देन हमारे पास इनपुट टाइप आ जाएगी, इनपुट टाइप हमारे पास हो गई टेक्स्ट की। हमने अपने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह से हम लोग अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट नेम के बाद हम लोग फॉर एग्जांपल फादर नेम्स ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी वॉट एवर वी वॉन्ट हम लोग इसमें अपना ऐड कर सकते हैं। इनपुट टाइप हमारे पास हो जाएगी, अगेन हम लोग इसको टेक्स्ट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। इस तरह से हम इसमें अपने बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मजीद जो भी हम लोगों ने अपने अब तक इन फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए जो जो भी हमने बटन और ड्रॉप डाउन बॉक्स वगैरह सीखे वो सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एंड में बटन ऐड कर रही हूँ अपना, मैंने अपना बटन ऐड कर रही हूँ। मेरे पास हमने बटन ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं ओके का बटन ऐड कर रही दिया। तो हमने जो कि फील्ड सेट क्रिएट किए थे हमने इसका क्लोज कर दिया अपनी फील्ड सेट के टैग को। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपनी फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स के अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन सेपरेट होगी कि जिसमें हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम एंड ओके का बटन हमारे पास जनरेट हो रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखे एंड देन ओके कर दें। हम इसमें मल्टीपल भी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये क्रिएट किया, अब मैं मजीद एक फील्ड सेट क्रिएट करना चाह रही हूँ एंड देन उसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। अगर मैं लेजेंड का क्रिएट करती हूँ, लेजेंड में मैं जो भी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रही हूँ अपने बॉक्स पे कि हमारा ये बॉक्स किस टाइप का है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, वो वर्डिंग मैं यहाँ लिख सकती हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाह रही हूँ अपने यूजर से, तो यहाँ पे हमने इस टाइप को क्लोज कर दिया। हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया अपने यूजर से, ले जी फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट टाइप हमारे पास आ रहा है, हम सेल नंबर उसका लेना चाह रहे हैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में से सेल नंबर। एंड देन हम लोग सेल नंबर में भी इनपुट टाइप फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे अपनी टेक्स्ट ही ले लेती हूँ ताकि वो टेक्स्ट में फॉर्म में ऐड करे। एंड देन हमने अपने टैग को क्लोज कर दिया। सेल नंबर के बाद फॉर एग्जांपल मैं फोन नंबर लेना चाह रही हूँ अपना, एंड देन मेरे पास इनपुट टाइप हो गई। अगेन हम टेक्स्ट यूज करते हैं, और इसमें फर्दर अगर मैं फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ अपने यूजर से, वो अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी हम उसे कांटेक्ट करना चाहें एंड देन उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप आ गई ईमेल, तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप ले ली ईमेल। अब ये ईमेल की फॉर्म में आएगा, तो हमने ईमेल ले ली एंड देन हम लोगों ने अपना इस टैग को क्लोज कर दिया।
क्योंकि हमने फील्ड सेट क्रिएट किया हुआ था तो हमने अपने फील्ड सेट को भी क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इसके अब इंफॉर्मेशन एक मजीद टैग यूज हो गया, एक और बॉक्स ऐड हो गया जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास सेल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, इसमें चाहे हम लोग मजीद फर्दर चाहें तो हम अपना बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे एक बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने बटन का टैग यूज किया, बटन में हम लोग ओके लिख रहे हैं, वट एवर वी वॉन्ट हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की, हमें किस टाइप का बटन क्रिएट करना है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपने एक सेपरेट फील्ड बॉक्स में। ये हमने यहाँ पे बटन का ऐड कर दिया ओके का। देन फर्दर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें स्पेस देना चाह रही हूँ कि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए तो हम यहाँ पे लाइन ब्रेक का टैग यूज कर देंगे, हमने इसमें लाइन ब्रेक दे दी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस आ गया दोनों बॉक्स के बीच में। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर सकें कि हम लोग अपने फॉर्म में एक बॉक्स है जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, ये सिर्फ हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन का, ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का, हम लोग इस तरह से अपने यूजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग अपने सेपरेट फॉर्म, अपने फॉर्म में सेपरेट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, सेपरेट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फ्रॉम द यूजर। ये था हमारी आज की लैब, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नई लैब में हाजिर होंगे। लाफिज।